सभी को नमस्कार प्रणाम। आज हम मेनू विदा करो सीखने वाले हैं बड़े ही डिटेल तरीके से एडवांस टेक्निक्स के साथ। तो आज बेसिक भी फॉलो कर सकते हैं, पहले जो बेसिक के स्टूडेंट्स हैं वो पहले बेसिक बढ़िया तैयार करें और फिर ही जो मैं एडवांस की हरकतें बजाता हूँ उन्हें फॉलो करें। अगर आपका बेसिक ही तैयार नहीं है, सुर ही ताल अच्छे नहीं लग रहे, तो फिर कितनी भी हरकत कर लो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। हाँ, तो मेरे पास पसा पसा में ट्यून वॉयलिन है, सी स्केल है, ट्यूनिंग स्केल, ये सब मैंने पहले सिखाया हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स है, उसको ज़रूर देखिए। प्रैक्टिस के लेसन्स भी है कि आपको लाइव क्लास के जैसे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। चलिए सॉन्ग सीखते हैं। ग म प प प म ध प ग म ध ध ध प ध नि ध प प नि 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 सा ग रे सा नि ध प। हाँ, ग म प, अब देखो प मैंने कैसे लिया, ग म और इस ग वाली फिंगर से मैंने खींच के प लिया। यहाँ पे आप शुरुआत में प का मार्किंग कर सकते हैं, उसको अच्छे से चेक करके उसको इस ओपन नोट से चेक कर लीजिएगा और जहां पे भी परफेक्ट आ रहा हो साउंड उसको साइड में मार्क कर सकते हैं पर शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए। तो ग म प प प म ध प, यहां तीव्र में आ जाएगा। ग म ध ध, अभी ध बहुत सॉफ्टली लेना, ध प ध नि ध नि ध प प नि 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 सा ग रे सा नि ध प। अब आपके लिए मैंने बीट का अरेंजमेंट भी किया है, तो अगर देखा जाए तो एक दो तीन चार पाँच छ ग म प प प म ध प ग म, देखो एट बीट्स में आपको काउंट करना सिखाता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे साथ करो या आपकी चार चार ऐसे इसको गिनो, इसको नंबर्स में गिनो। 1 2 3 4 5 6 7, गिनो, बैठे मत रहो, मुस्कुराओ मत, गिनो 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 ग म प, कहाँ से स्टार्ट करना है, 5 6 के बाद 7 से ग, 1 2 3 4 5 6 ग म प प प म ध प ग म ध ध ध प ध नि ध ग म नि 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 सा ग रे सा। 1 2 3 4 5 6 ग म प प प म ध प ग म ध ध ध प ध नि ध ग म नि 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 सा ग रे सा। हाँ, समझ गए ना, ऐसे आप बीट, अब बीट का जो ऑडियो है वो मैंने दे रखा है मेरे ही चैनल पे, आपको दिख जाएगा, लिखा होगा तबला बीट फॉर प्रैक्टिस नाम से। तो अब मैं आपको जल्दी से पूरा सॉन्ग सिखा देता हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको समझ में नहीं आया तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे कर लीजिएगा और बार बार उसको, जो भी पोर्शन समझ में नहीं आया उसको धैर्यपूर्वक देखिएगा। हाँ, तो अब पूरा फोकस मेरी फिंगर्स पे होगा, मेरी प्लेइंग पे होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सीखना। ग मा, और ध्यान से देखिएगा ये प, यानी कि ग वाली फिंगर से आपको प तक अपनी फिंगर ले जानी पड़ेगी। हाँ, है ना, बहुत बढ़िया टेक्निक। फिर से कोशिश करिए मेरे साथ, तो वो सीधा प पे आना चाहिए, टच करना चाहिए, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे टच करेगा तो बड़ा खराब साउंड करेगा, जैसे कि देखा, तो आपको बिल्कुल सीधे वो प पे आना चाहिए। मैं थोड़ा सा तानपुरे का आवाज तेज कर देता हूं। Thank you.
फिर प म ध प, प म ध प। हमने ग वाली फिंगर से प बजाया तो उसके नीचे तीव्र मा बजेगा, तो प मा, और उसके ऊपर वाली फिंगर से ध, तो क्या करना है, प मा ध प एक साथ बजेगा, एक ही मात्रा में, एक ही टाइमिंग पे। हाँ, फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ग मा प प, प म ध प, दिख रहा है आपको, प म ध प, प म ध प, तो ग म प प, प म ध प। क्योंकि अगर आप इसी चीज को कट बो के साथ करेंगे और स्ट्रिंग को चेंज करेंगे तो बड़ा खराब आवाज आएगा, जैसे वो एक इमैच्योर साउंड कर रहा है, तो हमें एक ही स्ट्रिंग पे इसको तैयार करना पड़ेगा। हाँ, सेकेंड लाइन ग म ध ध ध प ध नि ध, और देखिए मैंने क्या हरकत ली, ग म ध ध ध प ध नि ध ध प ध स नि ध स नि स नि स नि ग म ध ध ध प ध नि ध। अब ध को बड़ा सॉफ्टली बजाना है, क्योंकि जैसे ही हम स्ट्रिंग चेंज, ऑलरेडी हम स्ट्रिंग चेंज करेंगे तो वो ध का आवाज जो है वो चमकेगा, तो आपको बड़ा सॉफ्टली बजाना है। कैसे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखिए कितना खराब साउंड आएगा, बस चुभ रहा है वो साउंड, तो ध प ध नि नि स नि ध प प नि नि शुद्ध नि। अब विदा करो प प नि 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 सा ग रे सा, हाई स्ट्रिंग का ग रे सा। हाँ, गरे सा गरे, और मेरी बो देखो कैसे चल रही है, ग रे सा ग रे रे सा सा ग रे रे सा सा प प नि 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 सा ग रे रे सा सा नि ध प। हाँ, यहां तक फिर से ग म प प प म ध प ग म ध ध ध प ध नि ध प प नि 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 सा ग रे सा नि ध प। हाँ, देखो मैंने क्या हरकत की, अभी मैंने ग उसकी तार पे ले लिया, लेकिन इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए। मैं भी अगर बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करूंगा तो मेरा भी बहुत खराब बजेगा, तो प्रैक्टिस ही है जो आपको सुर में रखती है। तो सिंपल है कि आप तार को चेंज कर दीजिए। हाँ, अब यही चीज हम बीट में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 अ द द द। हाँ, 8 बीट्स का ये ताल है, तो ऐसे फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, तो 1 1 2 3 4 5 6 न न न, 1 2 3 4 5 6 ध नि सा 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 नि रे सा ध नि रे रे। उसके आगे क्या आता है, नि रे रे ग म प, तो ग म प। अब ध्यान से देखिए, म तीव्र आ रहा है यहाँ पे, सा रे ग म और ये तीव्र म, तो नी रे रे ग तीव्र म प, और ग म एक साथ लेना,
हाँ उसके बाद गरे नीरे सा गरे नीरे सा नीरे रे गम पर गरे नीरे सा पनी नी नी। अब ध्यान रखना कहाँ पे शुद्ध नी कहाँ पे कोमल नी। तो पनी नी 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 सा गरे सा नी धा प पनी नी 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 सा गरे सा नी धा प। गा म प प म ध ब ग म ध ध ध प ध नी ध प पनी नी नी सा गरे सा। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस से कुछ भी सीखने को मिलता है तो आप प्लीज़ मुझे हेल्प कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपके कंट्रीब्यूशन से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा और एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं ऐसे ही आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस, लेसन्स और बहुत सारा ज्ञान लेके आ सकूँ। तो इसका अंतरा है गगरे रे सा सा नी नी सा रे सा ता नी सा नी सा रे एक सा नी धा। अभी कोमल नी यहाँ पे कोमल नी। फिर देखो गगरे सा 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 नी नी सा रे सा सा नी सा नी सा नी सा रे कोमल नी और धा नी धा धा नी धा 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 नी धा पा पा ग ग प प प धनी सा नी सा धा पा। फिर से रिपीट करूंगा धा धा नी धा पा धा 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 नी धा पा पा ग प प धनी सा नी सा धा पा सा सा ग सा सा म ग प प ग ग रे सा। उसके बाद क्या आता है सा सा म ग प म ग ग रे सा ग ग रे सा सा नी रे सा नी ध प ग ग रे सा सा नी रे सा नी ध प ग ग रे सा सा नी ध नी ध प ना 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 गगरे सा। अभी रे सा इसलिए हमने ये लिया क्योंकि हमको फिर नीचे वाले तार पे जाना है। अगर हम मान लीजिए इसी तार पे रहते ऊपर के स्वर बजाते तो हम फिर ओपन सा ले सकते थे, पर हमें नीचे शिफ्ट करना है तो हमने इसलिए रे के बाद क्लोज सा ले लिया। ग सा अच्छा तार उतर गया मेरा सा सा में ग सानी रेशा नी ध प कोमल नी हा प नी नी प सा 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 नी नी ध ध ध प सा 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 नी 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 ध ध ध ध ध नी 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 शुद्ध क्या है ध ध ध ध नी सेकेंड पैराग्राफ में पूरा रिवाइज करवा रहा हूं आपको, देख लीजिए ध्यान से। झूठ भला क्यों गगरे सा 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 नी नी सा रे सा सा नी सा नी सा
प ध नि सा नि सा ध प सा नि ग प प ग घ रे सा सा नि सा नि ध प प सा 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 नि नि ध ध ध ध ध नि 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 शुद्ध नि प नि 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 सा रे सा नि ध प और इसका लास्ट पैराग्राफ है वो भी सीख लीजिए प प नि ध नि सा सा नि ग नि सा सा प नि ध नि सा सा नि ग नि सा सा नि सा नि सा नि ग एक ही बो में अभी देखो ग म प प प ऊपर ले सकते हो म प ध ध कोमल ध है ना ग म प प प म म प ध ध ध ध अभी सॉरी बस फिर से रिपीट करूंगा ग म प प प म म प ध ध ध ध ध नि ध ध ध ध नि कोमल द शुद्ध द शुद्धनी नीरे सागर सा एक ही बूम है नीरे सागर सा ऐसी हरकत करनी पड़ेगी। एडवांस वाले कोशिश कर सकते हैं। फिर वापस से आपका फर्स्ट लाइन आ जाएगा। कोई भी लाइन को सीखने के लिए आपको उसको कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो जिस भी लाइन, जैसे पहली लाइन है, उसको ले लीजिए, बार बार रिपीट करिए, मेरा वीडियो पॉज कर लीजिए या तो, या फिर रोज इस वीडियो पे आकर प्रैक्टिस करिए। एक बार में नहीं बचेगा। सीखने और साधने में फर्क होता है। सीख तो हम यूज आते हैं, लेकिन साधने के लिए रोज डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप बजा पाओगे। सीखना केवल यहाँ तक होता है, लेकिन साधना यहाँ आपके इंस्ट्रूमेंट तक हो जाता है। समझ गए मेरी बात? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको लेसन काफ़ी अच्छा लगा होगा। ज़रूर मुझे सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर, जितना आप आशीर्वाद दे सके उतना मेरे लिए कम है। मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।